अमेज़न क्या चीज है, आखिर ये किस बला का नाम है जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, जो मतलब लोग जो है ना अपनी पढ़ाई को छोड़ रहा है, मैं अमेज़न स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज जो है ना हमारा टॉपिक किस चीज के ऊपर है, आपने नाम बहुत सुना होगा, बट ये कि आपका जो जहन है, जो आपका माइंड है, वो आजकल क्लियर नहीं हो गया है, ठीक है। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है अमेज़न। व्हाट इज अमेज़न, अमेज़न में कौन कौन लोग जो है ना अर्निंग कर सकता है, आया मैं अमेज़न को स्टार्ट करूं कि स्टार्ट ना करूं, आया मैं अपनी पढ़ाई को छोड़ू कि ना छोड़ू, आया मैं अमेज़न कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है अमेज़न। तो अमेज़न क्या है, अमेज़न है एक कंपनी, ठीक है। इसको हम क्या नाम देंगे, हम इसको नाम देंगे कंपनी, कि अमेज़न क्या है, अमेज़न एक कंपनी है। आया मैं अमेज़न स्टार्ट करूं, तो बेशक आप स्टार्ट करो, ठीक है। मैं ये नहीं बोला कि आप अमेज़न स्टार्ट मत करो, बस मैं आपको ये बात फर्स्ट में क्लियर करूंगा कि अमेज़न जो है वो क्या है, पेक बिल्कुल नहीं है, ठीक है, रियल है। क्योंकि अब मैं उसको पेक तो नहीं बोल सकता, ठीक है, उसके खिलाफ बहुत सारे लोग हैं, सब लोग ये बोल रहे हैं कि पेक है, ये है, वो है, बट अब कोई चीज है वो जो है ना पेक नहीं है, तो उसको ऊपर मैं किस तरीके से बोलूँ कि ये पेक है। अब कोई चीज है वो रियल है तो उसको मैं बोलूंगा कि ये रियल है, कोई चीज है वो पेक है तो उसको मैं बोलूंगा कि ये पेक है, चाहे वो जो है ना मेरा जो भी मतलब जो भी ये चीज जो है ना मतलब वेबसाइट है, जो भी चीज वो क्रिएट करेगा वो पेक होगा, तो वही पेक ही होगा, ठीक है। अब अमेज़न की बात करते हैं, तो अमेज़न बिल्कुल एक रियल बिजनेस है, एक रियल प्लेटफॉर्म है। अब बात करते हैं किस चीज की, अमेज़न के ऊपर अर्निंग की, पैसे कमाने की, आया मैं अपनी पढ़ाई को छोड़ू कि ना छोड़ू, जो आजकल महल मतलब बहुत ट्रेंड में चल रहा है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि यार मैं जो है अमेज़न को स्टार्ट करूँ, अमेज़न ये है वो है, बस मैंने पढ़ाई तो छोड़ दी है, अब जो है ना अमेज़न जो है ना मैं स्टार्ट करूंगा, अमेज़न पे जो है बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे लोग जो है ना उसके ऊपर अर्निंग कर सकते हैं, तो मैं भी कर लूंगा, ये है वो है। बहुत लोग जो है ना आप लोगों को ऐसे सब कुछ जो है ना चीजें दिखा रहे हैं कि ये है वो है। सो अमेज़न को हम क्या नाम देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अमेज़न को हम देंगे कंपनी, एक कंपनी है, ठीक है। ऐसे मतलब आप कोई मॉल में जाते हो, फिजिकली एक शॉप पे जाते हो, वहां पे जो है ना आप कोई चीज बाय करते हो, कोई चीज परोख करते हो अपने लिए, ठीक हो गया। तो ये क्या होता है, ये होता है आप फिजिकल, ठीक है, ये होता है एक कंपनी। आप एक मॉल में गई, आप एक शॉप में गई, तो ये जो है ना फिजिकल, आप गई वहां से, आपने एक चीज उठाई, फिर जो है ना ले आई आपने, तो इसको क्या कहते हैं, इसको फिजिकल आपने एक शॉप से अपने लिए शॉपिंग किया। अब जो है ना अमेज़न को हम कंपनी का नाम देंगे, बट ये कि अमेज़न क्या करता है, वो फिजिकल नहीं कर सकता, मतलब आप फिजिकल अमेज़न की शॉप में नहीं जा सकते कि अमेज़न का कोई शॉप है और वहां पे आप चाहोगे, हाँ उसकी शॉप है, मतलब उसके वेयरहाउसेस है, ठीक है, जहाँ पे मतलब ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये प्रोडक्ट उसके पैकिंग वगैरह सब करते हैं, ठीक है। सो अब जो है ना उसके मतलब आप जाते हो अमेज़न के वेबसाइट के ऊपर, वहां से जो है ना आप अपने चीजें मतलब पसंद करते हो, ये वॉच की मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मिसाल के तौर पर ये वॉच है, ये घड़ी है, ठीक है, ये आपने जो है ना बाय करनी है, खरीदनी है। आप ऐसे मतलब कोई शॉप में गई, एक दुकान में गई, एक मॉल में गई, वहां से आपने जो है ना क्या किया, वहां से आपने ये वॉच ही घड़ी आपने खरीद ली, ठीक हो गया। अब जो है ना क्या हुआ, ये आपने तो खरीद ली, ले आए अपने घर, ये फिजिकल हुआ। अब जो है ना क्या है, अब ये है कि अमेज़न है, ठीक है, अमेज़न के ऊपर ये सेल होता है, मतलब आप उससे जो है ना बाय कर सकते हो। अब आप कोर्स की बात करते हैं कि मतलब हम स्टार्ट करेंगे कि स्टार्ट नहीं करेंगे, कौन से लोग जो है ना वो अमेज़न के ऊपर अर्निंग कर सकता है, पैसे कमा रहा है, ठीक है। तो वही कौन कौन लोग है, वो जो अपनी फैमिली का है, ठीक है, जो अपनी फैमिली, उसका फैमिली जो खानदान है, ठीक है, उसका स्टेटस बहुत अच्छा होना चाहिए, जो बोले ये एक बिजनेस टाइप है, एक बिजनेस मॉडल है, अमेज़न एक बिजनेस मॉडल है, ठीक है। अब एक मतलब मैं हूँ कि मेरे घर में मतलब ये नहीं है, वो नहीं है, मैं अपने हराजात यार ये सब कुछ मतलब आजकल महंगाई ये है वो है, तो मैं अमेज़न नहीं स्टार्ट करता, मतलब मैं अपना अंदर बन जाऊँ, खुद का बिजनेस मैं स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो इसको जो है ना आपको कितने इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, बट ये कि लास्ट, ठीक हो गया। अब अमेज़न में किस तरीके से मतलब स्टार्ट करूंगा, अमेज़न के लिए LLC मतलब मैंने LLC क्रिएट किया, ये किया, वो किया, तो वो कौन लोग, वो जो है ना आपका स्टेटस अच्छा होना चाहिए, घर का जो मतलब आपका जो फैमिली है, जो आपका खानदान है, ठीक है, उसका क्या होना चाहिए,
उसका स्टेटस अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होनी चाहिए का क्या मतलब, कि मतलब उस जो ये एक बिजनेस है, आप बिजनेस अपने लिए स्टार्ट कर रहे हो, मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, इतने पैसे जो है ना मेरे पास नहीं है, किस तरीके से मतलब मैं ये करूंगा, तो फिर जो है ना आप नहीं कर सकते। फिर क्या कर सकते हो, फिर आप विद द वे है जो है ना आप काम कर सकते हो, किसी को मतलब अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। बट ये कि अमेजोन ये बिल्कुल रियल चीज है, रियल वेबसाइट है, मतलब रियल कंपनी है, रियल बिजनेस मॉडल है, पेक नहीं है। ठीक है, मैंने स्टार्ट में भी आप लोगों को बताया कि अब कोई चीज पेक है तो उसको मैं पैक ही बोलूंगा, अब कोई चीज रियल है तो उसको मैं तो पैक नहीं बोल सकता। ठीक हो गया। सो अमेज़न पे वही लोग जो है ना कामयाब हो सकता है, वही लोग काम कर सकता है कि जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा हो। ठीक है, ज्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट हो, ज्यादा कितना ज्यादा, 6 लाख 5 लाख तक उसके पास पैसे हो तो वो जो है ना ये काम स्टार्ट कर सकता है। अदरवाइज ये काम जो है ना आप स्टार्ट कर सकते हो बट उसमें जो है ना फिर लॉस होता है। ठीक है, आपका तावान भी हो सकता है। जो मॉडल जो है ना आजकल चल रहा है ट्रेंड में, पाकिस्तान में चल रहा है, पाकिस्तान में अलाउ है, अदर कंट्री का मुझे नहीं पता, वो जो है ना खुद पता कर लेना कि कौन सी मॉडल जो है ना मतलब अदर कंट्रीज में ओपन है। जैसे मैं बताऊंगा कि काबल इंडिया वगैरह जितने भी है ना, बांग्लादेश, सो वहां पे जो है ना मतलब ये चीजें है कि नहीं है, ठीक है, अलाउ है कि नहीं। जो आज मतलब पाकिस्तान में जो अलाउ है, जो ये अलाउ है मॉडल जो मतलब FBA है, ठीक है, तो ये जो है ना अलाव है आजकल और बहुत ट्रेंड में चल रहा है, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट 5 लाख। ठीक हो गया। बट ये है कि ये 5 लाख ऐसे नहीं कि मतलब आपने 5 लाख उठाए और एकदम अपने टोटल जो है ना इन्वेस्टमेंट किया, मतलब ये पैसे आपने लगाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, 2 लाख जो है ना एक दफा लगाएंगे, फिर 1 लाख लगाएंगे, फिर नेक्स्ट मंथ 50,000 लगाएंगे, फिर जब आप 5-6 लाख इन्वेस्टमेंट करोगे तभी बात बन जाएगा आपका, अदरवाइज आप जो है ना कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा वही लोग जो है ना उसके ऊपर काम करें, कोई भी मतलब बोल रहा है कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मेरे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, और उसके पास बहुत सारा पैसा भी है, मतलब उसके जो है ना खानदान जो है ना फैमिली जो है वो बहुत मतलब उसके पास पैसे है। ठीक है, तो वही लोग क्या कर सकते हैं, वही लोग अमेजोन बिल्कुल स्टार्ट करें। ठीक है, आपने अपनी पढ़ाई को छोड़ना है, मुझे जो है बिजनेस अच्छा लगता है, बिजनेस बेस्ट है मेरे लिए, बिजनेस कर सकता हूँ, तो ये भी अमेजोन भी एक बिजनेस मॉडल है, आप भी कर सकते हो। चाहे आपने पढ़ाई छोड़ दिया तो छोड़ लो। अब मैं बात करता हूँ, आपके पास जो है ना इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, इतने पैसे नहीं है, और ऊपर से आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं कॉलेज यूनि को भी छोड़ रहा हूँ, स्कूल को भी मैं छोड़ रहा हूँ, चाहे अमेजोन में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो फिर जो है ना आप कुछ भी नहीं कर सकते। इधर आपने एक नुकसान तो किया, आपने जो है ना क्या किया, स्कूल यूनि आपने जो है ना छोड़ दिया, आप क्या करोगे, आप तो कुछ भी नहीं बनने वाला। इधर आपको जो है ना ब्रांड अप्रूवल नहीं मिल रहा, इधर जो है ना आप उसकी सर्विसेज नहीं दे रहे, उसकी जो है ना इतना नॉलेज नहीं है आपके पास, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आपने वहां जो है ना स्कूल यूनि कॉलेज भी छोड़ दिए, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। सो अब हम बात करते हैं वही लोग जो है ना अमेजोन स्टार्ट करें जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, वो दिलचस्पी जो है ना उसको बिजनेस में दिलचस्पी हो, तो वही लोग जो है ना अमेजोन को स्टार्ट करें। ठीक है, वो स्टार्ट कर सकता है, वो जो है ना उसके ऊपर अर्निंग कर सकता है। मेरा यही रिव्यू होगा कि अमेजोन बिल्कुल एक रियल वेबसाइट है, एक रियल प्लेटफॉर्म है, उससे ऑनलाइन अर्निंग होता है, ऑनलाइन पैसे जो है ना आप लोग कमा सकते हैं। सो अब इनके पास पैसे नहीं है, ठीक है, यूनी भी छोड़ लिया, कॉलेज वगैरह भी छोड़ लिया, अमेजोन कर रहा हूं, तो उसके लिए क्या है, आप कोर्स करो, आपने जो है ना कोर्स किया, फिर जो है ना आप क्या करो, वही सर्विसेज जो है ना आप वीए काम करो। वीए क्या होता है, वीए जो है ना मैं आपको और वीडियो में बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट जो है ना कितनी चाहिए, 5 लाख इन्वेस्टमेंट चाहिए। एलएलसी जो है ना क्रिएट करना होगा, मतलब ये है इस इन बातों का कि अमेरिका में जो है ना आप यूएस में जो है ना वहां का आप हिसाब होंगे कि हाँ मैं यूएस का एक मेंबर हूँ, यूएस का मैं ए जो है ना बंदा मैं यूएस में हूँ। ठीक है, वहां जो है ना मतलब बैंक स्टेटमेंट वगैरह जितने भी प्रोसेस है वो आप करोगे तभी जो है ना वो आपको अप्रूवल मतलब वो सब चीज जो है ना देगी कि आप ये बिजनेस खुद ही स्टार्ट करो। जो चीजें जो है ना आप बाय करो वही चीजें जो है ना फिर आगे सेल करो, मतलब पेरो मतलब आप जो है ना और लोगों को दो, ठीक है, सेल करो, तो इसको जो है ना अमेजोन आप जो है ना यही इस पे आप काम कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास पैसे नहीं है, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप खुद जो है ना स्टार्ट करो, तो आप अपना पढ़ाई मत छोड़, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, फिर आपको पास टाइम मिला फिर जो है ना अमेजोन के ऊपर आप कोर्स करो। तो आजकल ये बहुत मतलब ट्रेंड में चल रहा है, बहुत लोग बोल रहे हैं अमेजोन ये है वो है, बट ये कि ये अमेजोन इतना आसान भी नहीं है, ये भी मैं आपको ये बात रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये इतना आसान भी नहीं है। अच्छा, आप बात करते हैं इंग्लिश,
इंग्लिश जो है ना आजकल बहुत मस्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है इंग्लिश। इंग्लिश अब क्या है, मतलब ब्रांड से जो है ना आप बात करोगे, जैसे मैं जो है ना आप लोगों को समझा रहा हूँ, इस तरीके से आप ब्रांड से भी बात करोगे। ब्रांड क्या होता है, मतलब अब ये गली है, इसका कोई आनर है, ठीक है, उससे मैं बात करूंगा कि मुझे जो है ये आपका प्रोडक्ट जो है पसंद आ गया है, ये मैं मुझे कितने में दोगे, इसके जो है ना आप मुझे एडवाइस चाहिए, मतलब ये मुझे कितने में दोगे, मैं आगे किस जो है ना कितने में सेल करूंगा, तो उसको क्या कहते हैं, इस चीज को ब्रांड अप्रूवल कहते हैं। तो वहां से जो है ना आप बात करोगे उनको जो है ना, मतलब मैसेज करोगे इंग्लिश में, सो वो डजंट मैटर है, इंग्लिश जो है कोई मसला नहीं होता, ये जस्ट आप इतना जो है चाहिए कि हाय हेलो हाउ आर यू, आप ये कर सकते हो, ठीक है, तो वो कोई मसला नहीं होता, अदरवाइज आप ये कर सकते हो, ठीक है, ब्रांड से मतलब बात भी कर सकते हो। अब जो है ना इसके अलावा चैट जीपीटी भी आ गए हैं, वो जो है ना आपका क्वेश्चंस का सारा आंसर जो है ना वो भी दे रहा है। इसके अलावा गूगल ट्रांसलेट भी आप कर सकते हो, इसके अलावा भी मुख्तलिफ एप्लीकेशन है, डोंट वरी, वो जो है ना डजंट मैटर है, ठीक है, वो कोई बात कोई मसला जो है ना वो नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है इंग्लिश बोलना, ठीक हो गया। सो अब जो है ना क्या करना है, अब आपने अमेजोन स्टार्ट करना है कि नहीं स्टार्ट करना, मैंने आपको दो बातें बताई, ये एक आपके पास पैसे है, ठीक है, आप जो है ना मतलब आपका स्टेटस अच्छा है, ठीक है, आपका फैमिली जो है ना मतलब बेस्ट है, फैमिली के पास जो है ना मतलब पैसे है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप बेशक अमेजोन के ऊपर लगाओ, स्टार्ट करो, वो बिल्कुल रियल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये पैक नहीं है, आप जो है ना उनसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, ठीक है, बट ये कि आपको ये इसकी जो नॉलेज है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन है वो लेनी चाहिए, जो कोर्स है वो जो ना आपने करना होगा, ठीक है। बाजे ऐसे कुछ लोग बैठे हुए हैं कि वो जस्ट अपने कोर्स को सेल कर रहे हैं, उसके पीछे जो है ना कोई मतलब नहीं, मतलब उसके जो है ना पीछे कोई भी सपोर्ट नहीं होता, जस्ट वो उन लोगों से आप बचो कि जो जो है ना मतलब आप ये जस्ट अपना कोर्स जो है ना सेल करता है, फिर जो है ना उसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं होता। तो वही जो है ना मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इस वहां से जो है ना कोर्स करो कि जो आपको अपना सेल दिखाए, जो मतलब मैंने ये चीजें जो है ना सेल की है, ठीक है, ये चीजें मैंने प्रूफ की है, वहां से जो है ना आप ये कोर्स कर लेना। आज जो है ना हमारा यही टॉपिक था कि अमेजोन क्या चीज है और अमेजोन रियल है कि नहीं रियल है, तो अमेजोन 100% रियल है, ठीक है, हाँ कारोबार है, कारोबार में लॉस होता है, मतलब नुकसान होता है, कोई चीज महंगी होती है, कोई चीज जो है ना किसी का प्रोडक्ट का प्राइस मतलब कीमत जो है वो ऊपर जाता है, कोई जो है ना नीचे आ जाता है, तो ये क्या होता है, इसमें प्रॉफिट और मार्जिन ये जो है ना होता है, मतलब तावान आपका जो लॉस है, लॉस सॉरी वो जो है ना मैंने फुस्तों का लफ्ज बोल दिया तो इसलिए सॉरी, ठीक है, आपका जो है ना क्या होता है, आपका होता है लॉस होता है, ठीक है, आपका नुकसान हो सकता है, इसके अलावा ये है कि आपका मार्जिन प्रॉफिट जो है ना ये भी आप जो है करोगे, कोई प्रोडक्ट जो है ना वो टूट भी जाता है, ठीक है, जब आप सप्लाई मतलब आप करोगे जिसने मतलब ऑर्डर आया हुए तो उसको मतलब आप कोई प्रोडक्ट जो है ना बेच दोगे तो वो जो है ना उसमें भी मतलब डैमेज होता है, वही प्रोडक्ट जो है ना टूट भी जाता है, तो ये तो कारोबार है ना, इसमें तो ये बिजनेस, इसको तो बिजनेस कहता है, ये तो होता जाता है, अब ये काम नहीं होता तो फिर जो है ना आपका ये जो काम करते हो ये तो फिर हराम भी होता है, ठीक है, तो कारोबार में लॉस होता है, ठीक है, लॉस भी होता है, प्रॉफिट मार्जिन भी होता है। सो आप जो है ना अमेजोन के ऊपर मैंने यही बात थी कि आप अमेजोन को स्टार्ट करो, मैं ये नहीं बोल रहा कि अमेजोन पेक है, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि अमेजोन बिल्कुल 100% रियल है, जस्ट मैं आपको बोल दिया है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है, पैसे है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, अपने लिए मतलब अपना जो खुद आप बोले कि मैं खुद आनर बन जाऊं सबका, सब चीजें मैं खुद देख लूं, सब चीज मैं खुद करूं, एलएलसी क्लियर करूं वगैरह, सब कुछ जितनी भी है वो मैं कर लूं, खुद ये प्रोडक्ट सेल करूं, तो फिर जो है ना आप जाए और वही काम जो है ना आप कर लेना, तो ये जो है ना आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है ना नहीं कर सकते। फिर जो है ना आप वीए सर्विसेज लोगों को और लोगों को दे रहे हैं, सो वीए पे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो वो जो है लाजिमी देगी। सो आज का जो हमारा टॉपिक था वो किया था, वो अमेजोन के ऊपर था, अमेजोन के रिलेटेड टॉपिक था। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चंस है मुझे अभी मतलब वही क्वेश्चंस आपका जो क्वेश्चंस है वो मुझे नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं जो है ना उसका आपको एक एक को रिप्लाई करूंगा, ठीक है, एक एक को अपना आइडिया जो मतलब मेरा जो भी मतलब आपका माइंड है, आपका जो माइंड है वो मैं क्लियर करूंगा, ठीक है, ऐसे कोई क्वेश्चंस है कि वो मुझे नहीं पता कि आप कोई क्वेश्चंस जो है ना करना चाहते हैं, वो क्वेश्चंस जो है ना मैं क्लियर करके आपको दूंगा, ठीक है। सो इसके अलावा इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो विद द वीए जो काम है उसमें मिलते हैं कि वीए क्या चीज है और वीए जो है आप सर्विसेज किस तरीके से दे रहे हो लोगों को। सो इंशाल्लाह फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।